नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेडरूम में हमारे पलंग पर बिछी जाने वाली चादर के बारे में। ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों वैसे तो घर का प्रत्येक हिस्सा बेहद उपयोगी और भावनाओं से जुड़ा होता है। जैसे घर का लिविंग रूम एक ऐसा हिस्सा है जहाँ परिवार एक साथ बैठता है, गपशप करता है और एक दूसरे के हाल चाल पूछता है। लेकिन जहाँ तक विवाहित जीवन जीने की बात है तो पति पत्नी के लिए हमेशा उनका बेडरूम ही खास महत्व रखता है। ये वो स्थान है जहाँ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत होती है। यही वो स्थान है जहाँ एक दूसरे के साथ प्रेम बांटते हैं और शिकायतें भी करते हैं। दोस्तों बेडरूम के साथ एक भावनात्मक रिश्ता कायम हो जाता है। शायद यही वजह है कि वास्तु के अनुसार भी पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए बेडरूम में कुछ खास चीज़ें रखने और उनका खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों आपने ये कई बार सुना होगा कि बेडरूम में कुछ खास किस्म की तस्वीरें लगाने या फिर कलर करवाने से घर के माहौल पर, आपसी रिश्ते पर, प्रेम पर वो उसका असर पड़ता है। लेकिन अगर आप एक खुशहाल और समृद्ध जिंदगी जीवन की चाहत रखते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले में आपके बेडरूम की चादर कितनी और कैसी भूमिका निभा सकती है। आपके बिस्तर पर पड़ी चादर आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। दोस्तों वास्तु के अनुसार आप अपने बेड पर जो भी चादर बिछाएं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पर सिलवटें ना हो। वास्तु शास्त्र की माने तो चादर पर पक्षियों की आकृति छपे होने से सपनों को उड़ान मिलती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए ये हानिकारक है। दोस्तों पलंग पर चादर हमेशा साफ सुथरी और एकदम प्लेन सफाई पूर्वक रखना चाहिए। पलंग पर गंदी चादर नकारात्मक माहौल को उत्पन्न करती है, नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, जिससे ज़िंदगी में तनाव, खींचतान और दोस्तों न जाने कितनी मुसीबतें आ सकती है। बिस्तर पर पक्षियों की तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा सही नहीं होती है। विवाहित जीवन के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी छवियाँ सिर दर्द, सिर में भारीपन को बढ़ावा देती है, उसके साथ साथ शारीरिक कमजोरियों और उन्माद की प्रवृत्ति को भी बढ़ा देती है। अगर आप अपने बिस्तर पर जो चादर बिछाने जा रहे हैं उस पर शेर या किसी अन्य हिंसक पशुओं की आकृति बनाइए तो ये अवैध संबंधों में दिलचस्पी पैदा कर सकती है, साथ ही साथ क्रोध और हिंसा को भी बढ़ाती है, जिससे ज़िंदगी में नकारात्मकता और असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है और ज़िंदगी में न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कई सारे लोगों की आदत होती है कि बिस्तर के गद्दों के नीचे कोई कागज़ या सामान रख देते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर के गद्दों के नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों गद्दों के नीचे अलग अलग सामान रखने से हमारी ज़िंदगी पर, हमारे आपसी रिश्तों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और दोस्तों आपस में प्रेम की कमी होती है, एक दूसरे पर शक होने लगता है। ऐसे कई सारी समस्याएं हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, जो हमें बर्बादी की ओर धकेलती है। इसीलिए अपने बिस्तर के नीचे, गद्दों के नीचे कभी भी कोई भी सामान नहीं रखें। ये वास्तु के अनुसार गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक बात करें हम अपने पलंग की, तो पलंग हमेशा समतल लकड़ी से बना हुआ होना चाहिए। समतल लकड़ी से बना हुआ पलंग बहुत ही फायदेमंद होता है और इसके ऊपर सोने वाले व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती है और ये वंशवृद्धि में भी सहायक होता है। साथ ही साथ ये दाम्पत्य जीवन के संबंधों को भी मधुर बनाता है। दोस्तों कई सारे पलंगों में उनकी बनावट इस तरह से होती है कि उनके बीच में गैप रहता है, तो ये वास्तु के लिहाज से सही नहीं होता है। इससे दोस्तों आपके संबंधों में दरार पड़ने की संभावना रहती है, इसीलिए पलंग के बीच में गैप, जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति के
भीतर यौन दुर्बलता, मधुमेह आदि बीमारियों की संभावना प्रबल हो जाती है। दोस्तों, अपने बिस्तर का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य जिंदगी में नकारात्मकता को हटाकर उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करना है। वास्तु का उद्देश्य और नियम इतना ही है। निश्चित तौर पर यह आपके जीवन को खुशहाल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। बस आपको इसको थोड़ा सा इसके रास्ते पर चलना होगा। वास्तु के अनुसार हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार आप दीर्घायु और गहरी नींद प्राप्त कर सकें। आरामदायक और भरपूर नींद से दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय बनता है और समृद्ध बनता है। दोस्तों, यदि कमरे में ड्रेसिंग टेबल हो तो इस बात का ख्याल रखें कि सोते समय आपका प्रतिबिंब आईने पर नहीं पड़ने देने। यदि ऐसा है तो उस आईने को ढक देना चाहिए। ऐसा होने से दोस्तों आप पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति के किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और वो असफलता की ओर जाता है, बर्बादी की ओर जाता है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमेशा बेडरूम से अलग से बाथरूम और दोस्तों बाकी वस्तुएं होनी चाहिए। बेडरूम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सोने और आपके दूसरे कार्यों के लिए ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो खास और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, एक और ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी बेडरूम की खिड़की से हमें नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्यों से हमें बचना चाहिए। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए हमें अपनी खिड़कियों पर पर्दा डाल देना चाहिए, जिससे हमारे बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सके, नकारात्मक ऊर्जा हमारे बेडरूम से दूर रहे। दोस्तों, बेडरूम में सुगंधित कैंडल, रूम फ्रेशनर्स या फिर ऑयल जरूर रखें, जिससे बेडरूम का वातावरण सुगंधित और दोस्तों सुखमय बना रहे और आपके दाम्पत्य जीवन का आनंद उठा सकें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। हमारे शहर या आपके शहर, आपके आसपास ऐसे खूब सारे लोग घूम रहे होंगे जिनके पास सर्दियों से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसे लोगों की इन कपड़ों के अभाव में मृत्यु हो रही है। तो दोस्तों, हम लोग इंसानियत के नाते कम से कम एक व्यक्ति, एक ऐसे आदमी को गर्म कपड़ा, वस्त्र या चादर आप दान करें, जिससे हमें लाखों पुण्यों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप नए नहीं खरीद सकते तो आप पुराने कपड़े लेकर भी उन लोगों को दान कर सकते हैं, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कोशिश से कम एक व्यक्ति की जान बचती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ज़रूर करेंगे और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।